पहला प्रस्ताव कृषि विभाग से। झारखंड राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022-23 के फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। ये आकस्मिक और रबी फसलों के लिए है और इसमें 50% पहले अनुदान था जिसे बढ़ा करके 90% दिया गया। दूसरा प्रस्ताव कृषि विभाग से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखंड स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग की स्वीकृति के संबंध में, इसमें मुख्य रूप से जो संशोधन है वह चेयरपर्सन की नियुक्ति से संबंधित है। वो नॉमिनेशन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चुना जाएगा। द चेयरपर्सन शैल बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु विल बी एनी पर्सन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से। झारखंड राज्य में पथ निर्माण विभाग की पथों पर अवस्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज अथवा रेलवे अंडरब्रिज का भारत सरकार द्वारा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु झारखंड सरकार, रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के बीच होने वाले MOU की स्वीकृति। संक्षेप में, एक अलग से फंड क्रिएट किया जा रहा है, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जहां कहीं भी हम लोग के रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स हैं वहां पर ROBs का निर्माण किया जाएगा और जो यूटिलिटी शिफ्टिंग या भू अर्जन और प्री कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटीज़ का व्यय राज्य सरकार द्वारा भारित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा जो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया जा रहा है उसके तहत निर्माण किया जाएगा। चौथा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में ताजा गर्म पोषाहार पकाकर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनांतर्गत गैस सिलेंडर एवं कुकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में LPG संयोजन तथा LPG सिलेंडर की दर में संशोधन की स्वीकृति। इसमें जो LPG कनेक्शन के दर में जो वृद्धि है वो 750 रुपये प्रति संयोजन वृद्धि हुई है और सिलेंडर का जो वर्तमान दर 807 वो बढ़ करके 1060 प्रति सिलेंडर रखी गई है। इसमें जो कुल व्यय भार अतिरिक्त होगा वो 26,44,000। 750 वृद्धि है, वो अलग रूप से क्रमांकित है कैटेगरीज। पहले 2 खाली सिलेंडर और रेगुलेटर का दर 3,050 रखा गया था, वो अलग से ब्रेकअप अंकित नहीं है, लेकिन संयोजन में जो वृद्धि है वो 750 का है। पांचवा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से। राज्य योजनांतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभुकों को ताजा गर्म पोषाहार पकाकर उपलब्ध कराने हेतु बर्तनों के क्रय एवं आपूर्ति संबंधी तथा सुदृढ़ संरचना उपलब्ध कराने हेतु केंद्रों के अनुरक्षण, सुसज्जीकरण एवं रखरखाव संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति। इसमें बर्तनों के क्रय के लिए स्वीकृति दी गई है और रखरखाव के लिए 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाने की स्वीकृति है।
इसमें प्रति केंद्रवार इसका वो अलग से हम लोग उसको बता देते हैं। यहाँ पर बर्तनों का प्रति केंद्रवार ये दर निर्धारित नहीं है। सातवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से देवघर जिलांतर्गत सारठ अच्छा छठा प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। सातवां प्रस्ताव राजस्व विभाग से देवघर जिलांतर्गत सारठ अंचल में कुल रकवा 2.01 एकड़ कुल राशि कुल देय राशि 78,05,046 रुपये मात्र पर ECL चित्रा कोल माइंस द्वारा अदायगी पर SP माइंस ECL चित्रा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। इसमें आठवां प्रस्ताव राजस्व विभाग से भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 में संशोधन करने तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फी तथा मुद्रांक अधिनियम 1948 की धारा 5 को निरस्त करने के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत झारखंड वित्त विधेयक 2021 पर राज्यपाल महोदय की आपत्ति के उपरांत वापस लेते हुए झारखंड वित्त विधेयक 2022 पर सहमति के संबंध में। नवा प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रखंड भवन मुख्य निर्माण कार्य योजनांतर्गत झारखंड राज्य के 86 प्रखंडों में आवश्यकतानुरूप आवासीय भवनों के नव निर्माण हेतु 468 करोड़ 80 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 468 करोड़ 80 लाख 32,000 दसवां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखंड सचिवालय सेवा के अंतर्गत उप सचिव कोटि को संयुक्त सचिव कोटि में दिनांक 24/12/2020 की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में। इसमें 5 सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का मामला निहित है। 24/12/2020 से प्रोन्नति प्रदान की जाएगी जिसका आर्थिक लाभ भी 24/12/2020 की तिथि से होगा। 11वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड भवन नई दिल्ली में बाह्य स्रोत से वाहन चालकों के 7 पदों के सृजन के संबंध में। इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये पद स्वीकृत हैं किंतु इसमें भी 10वीं एवं 12वीं झारखंड राज्य में शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की शर्त रखी गई है। 12वां प्रस्ताव कृषि विभाग से केंद्रीय योजना राज्य योजनांतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के संचालन क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों के आलोक में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन। 12वां पिछली बार जो संशोधन लाया गया था उसमें एरर रह गया था जिसके तहत BPL महिला
लाभ से वंचित रह गई थी, तो उस क्लॉज को विलोपित करते हुए दो दुधारू गाय वितरण की योजना अंतर्गत सभी महिला लाभुकों के लिए 75% अनुदान रहेगा और आपदा आगलगी से प्रभावित परिवार की महिला, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला, परित्यक्त महिला, दिव्यांग महिला लाभुकों के लिए ये अनुदान का 90% रहेगा। 13वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। CCL द्वारा CSR मद से उपलब्ध कराई जाने वाली राशि से रांची विश्वविद्यालय परिसर मोराबादी रांची में 5000 की क्षमता का पुस्तकालय निर्माण 62,43,39,300 रुपये मात्र की लागत पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। चौदहवां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत निक्सी के एम्पैनल्ड एजेंसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड का मनोनयन के आधार पर चयन कर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठन करने के संबंध में। ये निक्सी अंतर्गत एम्पैनल्ड एजेंसी है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड PwC। इसमें PMU का जो गठन होगा उसमें 3 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कार्यान्वयन में कंसल्टेंसी के रूप में काम करने के लिए। किनका? नहीं नहीं, ये तो उनके द्वारा प्रदान किए जाएंगे, एम्पैनल एजेंसी जो है। पंद्रहवां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में। इसमें एक ही महाविद्यालय है जुगसलाई के लिए, इस डिग्री महाविद्यालय जुगसलाई, और पदों की कुल संख्या है 29 और जो इसमें जो वार्षिक अनुमानित व्यय भार है वो 2,15,79,000। 16वां प्रस्ताव विधि विभाग से। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड उच्च न्यायालय रांची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर एवं सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि के संबंध में। ये अलग अलग है ना तीनों का। सिस्टम असिस्टेंट का जो अंतिम स्वीकृत संविदा राशि थी वो 20,000 थी और जो पुनरीक्षित संविदा राशि है वो 38,110 है। सिस्टम ऑफिसर का 32,000 था जो अभी 50,500 है और सीनियर प्रोग्रामर का 36,000 से 50,500। 17वां प्रस्ताव वित्त विभाग से। झारखंड लेबर सर्विस टेक्निकल संवर्ग के अंतर्गत वाष्पित्र निरीक्षक एवं मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक के पद का वेतनमान ग्रेड पे का संशोधन के संबंध में। 18वां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत नव स्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकायों की स्वीकृति के संबंध में। इसमें कुल 5 नए डिग्री महाविद्यालय में पद सृजन का प्रस्ताव था। डिग्री महाविद्यालय पीटाण, डिग्री महाविद्यालय बरही, डिग्री महाविद्यालय डुमरी, डिग्री महाविद्यालय सतगावा और डिग्री महाविद्यालय बरकट्ठा। जो कुल पदों की संख्या है 145 और इन पदों के सृजन पर वार्षिक अनुमानित व्यय भार लगभग 10,96,80,780 रुपये। उन्नीसवां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परसपानी गुड्डा में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। इसमें 5 कर्मियों की सेवा नियमित की गई है। बीसवां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से। अंतरराज्य बस पड़ाव धनबाद का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु इंटरस्टेट बस टर्मिनल कम कमर्शियल फैसिलिटीज के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए RFQ कम RFP की स्वीकृति एवं इंटरस्टेट बस टर्मिनल के विकास हेतु 48,11,03,700 रुपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति। इक्कीसवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से। झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु 1 सदस्य न्यायिक आयोग के गठन के संबंध में। इसमें जो झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में जो अनियमितता के संबंध में जो जांच कमेटी बैठी थी उनके द्वारा जो रिपोर्ट समर्पित किया गया है उसमें जो विधि से संबंधित कुछ बिंदु हैं और जो तथ्य हैं उसकी स्क्रूटिनी करने के लिए उसके समाधान के लिए 1-मैन जुडिशियल कमीशन की नियुक्ति की गई है। माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री SJ मुखोपाध्याय पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की सहमति इसमें प्राप्त की गई। बाईसवां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की 12वीं एवं 13वीं बैठक में स्वीकृत किए गए 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज के स्थापना हेतु पूर्व में राज्य स्कीम मद से स्वीकृत 10 नए महाविद्यालयों के लिए फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन करने के लिए निर्गत संकल्प में संशोधन। 23वां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से। रांची नगर निगम अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट फॉर अपडेटिंग रिवाइजिंग डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ रांची सुवरेज एंड ड्रेनेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग सुवरेज स्कीम्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सेफगार्ड डॉक्यूमेंट्स
एंड प्रोविजन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हेतु कुल 31,16,97,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। इसमें जो DPR बना है उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है नहीं है, वो फिर से एक तरह से पूरा आकलन किया जाएगा। अपडेट भी किया जाना है, रिवाइज जहां पर रिवीजन की आवश्यकता होगी वहां रिवाइज किया जाएगा, जहां पर नए बनाने की आवश्यकता होगी वहां पर नया भी बनाने की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल, इंक्लूडिंग GST एंड टैक्सेस 31,16,00,000। इसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर से बनेगी और इस दौरान जो भी PMC कंसल्टेंसी है वो भी इनके द्वारा प्रदान किए जाएगा। 24वां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवानिवृत्त को झारखंड लोक सेवा आयोग रांची में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 25वां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षा कारकेड के लिए वाहन एवं एम्बुलेंस तथा माननीय मंत्रीगण के एस्कॉर्ट के लिए वाहन खरीद के लिए कुल 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति के संबंध में। नहीं, ये मंत्रियों के लिए पहली बार एस्कॉर्ट वाहन की स्वीकृति दी गई। 26वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मुख्यमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में 5 दिन अंडा अथवा फल दूध उपलब्ध कराने के संबंध में। पहले ये 2 दिनों तक मिलता था, 2 दिनों सप्ताह में 2 दिन मिलता था, अब ये बढ़ा करके सप्ताह में 5 दिन अंडा अथवा फल दिए जाने का प्रस्ताव था। इसमें लगभग 260 करोड़ के लगभग व्यय इसमें है। 27वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वेतन पुनरीक्षण के संबंध में। सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन द्वारा जो अनुशंसाएं की गई थी उसके आलोक में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति का प्रस्ताव था जिस पर स्वीकृति दी गई। इसके तहत जो वित्तीय भार है वो लगभग 10,04,44,000 रुपए। अट्ठाईसवां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से श्री अरुण कुमार एक्का झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित दंड को संशोधित करते हुए असंचयात्मक प्रभाव से 1 वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने के संबंध में। पहले असंचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित था जिसे संशोधित करते हुए 1 वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। 29वां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से
विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31/3/2023 तक करने के संबंध में। इसमें रिक्त पदों पर जो घंटी आधारित शिक्षक संविदा पर नियुक्त हैं, इनका अवधि विस्तार 31/3/2023 तक किए जाने का प्रस्ताव था, जिसकी स्वीकृति दी गई। तीसवां प्रस्ताव उद्योग विभाग से, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कई इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जो इंसेंटिव्स हैं वो लार्जली हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो पूर्व से इंसेंटिव्स हैं, कैपिटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी या इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, ये सभी हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त रोड टैक्स में एग्जेम्पशन दिया गया है। जो गाड़ियां राज्य के अंदर यदि मैन्युफैक्चर होती हैं तो उसमें 100% एग्जेम्पशन पहले 10,000 बायर्स को मिलेगी। 10,000 से 15,000 जो बायर्स रहेंगे उन्हें 75% और 15,000 से लेकर के पॉलिसी पीरियड तक 25% एग्जेम्पशन रोड टैक्स में, और जो गाड़ियां राज्य के बाहर मैन्युफैक्चर होंगी उस पर 25%। इकतीसवां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से, आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनांतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक की आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें प्रति वर्ष 2 सेट गर्म पोशाक विंटर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। और जो पोशाक उपलब्ध कराया जाएगा उसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस भी दिया हुआ है कि स्वेटर की क्वालिटी, कलर इत्यादि क्या होगा। और प्रति स्वेटर जो प्राइस है वो 200 रुपये है और इसमें कुल लागत 56 करोड़ की होगी। बत्तीसवां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची के द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य हेतु विभागीय संकल्प में संशोधन के संबंध में। तैंतीसवां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से, झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय अन्य शर्तों सहित नियमावली 2022 की स्वीकृति के संबंध में। चौतीसवां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से, प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना हेतु 120 से 150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने हेतु अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के मध्य एमओयू की स्वीकृति के संबंध में। ये जमीन इटकी में चिन्हित किया गया है, जो टीबी सैनिटोरियम की जमीन, ये 120 से 150 एकड़। नहीं, राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है कुछ वर्षों में वो
लगभग 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा आने वाले वर्षों में किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 35 पथ निर्माण विभाग से, ये 6 प्रस्ताव लगातार रोड से संबंधित हैं, तो मैं रोड का डिटेल्स पढ़ दे रही हूँ। 35वां प्रस्ताव गोड्डा जिला अंतर्गत दुमुही से चांदनी चौक पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 11.05 कुल लंबाई 11.05 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण हेतु 29,36,61,600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, जगह बता दे रहे हैं, 38 है पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत 55,26,90,500 रुपए। 37वां है पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत कुल लंबाई 4 किलोमीटर 34,93,37,700 रुपए। 38वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग का गढ़वा अंतर्गत चिनिया पथ कुल लंबाई 26.3 किलोमीटर 70,24,01,300 रुपए। प्रस्ताव संख्या 39 पथ प्रमंडल गढ़वा रंका से रमकंडा कुल लंबाई 20.9 किलोमीटर 65,77,86,500 रुपए। प्रस्ताव संख्या 40 पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल साहिबगंज अंतर्गत मिर्जा चौकी बुआरी जोर पथ कुल राशि जो निहित है 107,83,78,700 रुपए। प्रस्ताव संख्या 41 पथ निर्माण विभाग का पथ प्रमंडल रांची ग्रामीण अंतर्गत अनगढ़ा हाहे राहे पथ कुल लंबाई 26.6 किलोमीटर का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कुल राशि 57,95,82,200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 42 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 यथा संशोधित में संशोधन हेतु विधेयक 2022, इसके तहत जो आरक्षित कोटी का प्रतिशत कुल प्रतिशत 77% हो जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 12%, यानी कि पिछड़ा वर्ग को कुल 27%, और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग 10% का प्रस्ताव था, जिसकी स्वीकृति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई और इस प्रावधान को संविधान की नवी अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए जाने का भी निर्णय लिया गया। हाँ, विधेयक विधेयक का नाम है झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 यथा संशोधित में संशोधन हेतु विधेयक। विधानसभा से पारित होने के उपरांत और इसमें जो आरक्षण का जो प्रतिशत है अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 12%, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग उपर्युक्त क ख ग को छोड़कर 10%,
यानी कि कुल 77% आरक्षित कोटि से और खुली गुनागुन मेरिट कोटि से 23%। ये विधेयक झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ब्रैकेट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु विधेयक 2022। प्रस्ताव संख्या 43। झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के गठन के संबंध में। इसके तहत जो मुख्य प्रावधान है, वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज का नाम 1932 तथा उसके पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, उसके आधार पर स्थानीयता की परिभाषा रखी गई है और इसके लिए विधेयक का गठन किया गया है। और जो भूमिहीन होंगे या खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अथवा खतियान यदि पठनीय नहीं है तो ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाएगा। और यह भी विधेयक है और इसे भी नवी सूची में भेजने का प्रस्ताव था जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। विधेयक पारित होने के बाद इसे नवी सूचनी में सम्मिलित करने हेतु केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। इसको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ दे रही हूँ। इंग्लिश में झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्संस एंड फॉर एक्सटेंडिंग द कॉन्सिक्वेंशियल सोशल कल्चरल एंड अदर बेनिफिट्स टू सच लोकल पर्संस बिल 2022। झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के गठन के संबंध में। धन्यवाद। और बहुत सरल शब्दों में जो 1932 खतियान लागू करने की बात थी उस पर मंत्रिपरिषद द्वारा आज निर्णय लिया गया और जिन व्यक्तियों का स्वयं का, उनके पूर्वजों का नाम 1932 के या उससे पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है वह स्थानीय की परिभाषा अंतर्गत आएगा, वो स्थानीय निवासी कहलाएगा। और ऐसे मामलों में जहां पर कोई व्यक्ति भूमिहीन है या फिर जो खतियान है वो पठनीय नहीं है या फिर खतियान उसके पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मामलों में उसकी पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, परंपरा आदि के आधार पर होगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।